इंसानियत निभाना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है जो इंसानियत के नाते सबकी सहायता करता है। तभी तो लाखों लोगों की दुआएं उसके साथ रहती हैं, जो मानवता के नाते अपना हर फर्ज निभाता है। सच मायने में मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले हों। और राजनीति में अगर आप सेवा भाव से जुड़े हों तो जनता नेता के लिए पलक पावड़े बिछा ही देती है। कारण साफ है, जो नेता धरातल पर रहकर जनता की सेवा के लिए अपनी राजनीति करता है, जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जिसे किसी दरबार या एसी रूम की आवश्यकता ना हो, वो जहाँ खड़ा हो वहीं दरबार सज जाए, तो जनता ऐसे नेता को न सिर्फ प्यार करती है बल्कि सर आंखों पर बिठा ही लेती है। और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऐसा ही प्यार जनता का मिल रहा है। वैसे उनका ताल्लुक ग्वालियर शहर से है, लेकिन वे पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक समान कार्य करते हैं। चाहे किसी के बिजली की समस्या हो, रोड नाले या फिर अधिकारियों की लेट लतीफी, हर चीज पर पैनी नजर रखते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हैं, तो वहीं सुस्त और लेट लतीफी करने वालों की जमकर क्लास भी ले लेते हैं। केंद्र की कल्याणकारी योजना का लाभ आम जनता को मिले इसके लिए बहुत ध्यान रखते हैं। किसानों की मांग हो या आम जनता की, सबकी सुनवाई मंत्री जी बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। या यूं कहे कि उन्हें काम करना और करवाना दोनों ही आता है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विकास में देरी को इतना गंभीरता से मंत्री जी ने लिया कि उन्होंने अपने जूते ही त्याग दिए और प्रण ले लिया कि जब तक समय पर कार्य नहीं होगा तब तक जूते पैरों में नहीं होंगे। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के कार्यों के लिए जनता के सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामना देता है और ये उम्मीद करता है कि आगे भी जनता के हक के लिए आप ऐसे ही कार्य प्रणाली और नवाचार के कार्य करते रहेंगे। आइए देखते हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से लिया गया साक्षात्कार। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं अपने जो दिन की शुरुआत होती है वो हम भगवान सूर्य की प्रथम किरण के साथ करते हैं, और सूर्य का आना, सूर्य का उगना जो होता है हमारे जीवन में, कहते हैं एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नई ऊर्जा आती है। और ऐसा ही कुछ कार्य कर रहे हैं हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। धन्यवाद। और जहाँ तक बात होती है ऊर्जा की, जब आप कार्य करते हैं तो वो सकारात्मकता जो है वो धरातल पर दिखती है। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ अपने मध्य प्रदेश में कार्य करते हुए, जहां आप अपने विभाग में अधीनस्थों को बकायदा टाइट करके रखते हैं, जो अच्छा कार्य करता है उसकी हौसला अफजाई करते हैं, और जो कार्य करने में थोड़ा सा लेट लतीफी करता है बकायदा उसकी क्लास लेते हैं। और जनता, अगर मैं जनता की बात करूं तो जनता के पास आप वैसे ही जाते हैं आत्मीय भाव से जैसे आपके अपने परिजन, तो कैसा लगता है सर? देखिए, मैं जनता का सेवक जी, और जब मैं अपनों के बीच जाता हूँ तो उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो दुआएं हैं जी, जो वो देते हैं, उनसे एक नई ऊर्जा आती है, नई उमंग आती है और नए सबूत में काम करने का हौसला और अफजाई होती है। और उसी ऊर्जा के साथ यह सेवक उनकी सेवा करने में अपने आप को आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करता है जी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने ऊर्जा विभाग की बात की, जहाँ मुझे मंत्री के रूप में काम करना है वहाँ मैं मंत्री के रूप में भी काम करता हूँ, पर जहाँ मुझे टीम भावना से काम करना है, टीम के लीडर होने के नाते से काम करना है, ऊर्जा विभाग के प्रमुख होने के नाते से काम करना है, तो वहाँ पे मैं टीम भावना के साथ काम करता हूँ। और मैं पूरा मौका नीचे के लोगों को भी, खुद भी अपने आप को काम करने में लगाए रखना मैं उचित समझता हूँ, वह कार्य करता हूँ जी। आपके आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे कि योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार में आई, वो चाहे अगर मैं किसानों की बात करूं तो वहां तक पहुंची,
किसान आज बड़े खुश हैं। जहां तक बिजली के बिलों की बात करूं, रेट की बात करूं, तो काफ़ी दर तक आपने जो है समस्याओं का निराकरण किया। लेकिन अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, और अभी क्योंकि आप जबलपुर में हैं, जबलपुर में क्या है, उद्योगों की कमी है। कई बार क्या होता है कि जो बड़ा इंडस्ट्री वाला होता है, वो ये चाहता है कि जहां पर मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊं, उसको जो बिजली है वो उस रेट पर मिले, कम रेट पर मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में, तो कमर्शियल रेट लगता है। हम मध्य प्रदेश में इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि हम जनरेट भी बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे यहाँ बिजली भी उत्पन्न होती है। तो क्या आने वाले भविष्य में ऐसे उद्योगियों, जो उद्योग करता है, उनको आप यहाँ पर बुलाने के लिए इस प्रकार की कोई योजना लाएंगे क्या? उद्योगों के लिए हमारी सरकार मनीष शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जी उद्योगों को सब्सिडी देती है जी, बिजली में भी छूट देती है, अन्य प्रदेशों की तुलना की दृष्टि से मध्य प्रदेश में उनको पूरा शो अवसर दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, आपने बात कही मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है जहाँ किसानों को 16,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है जी, 1 रुपये बिजली के बिल पर उनसे 8 पैसा लिया जाता है, और जो घरेलू उपभोक्ता हैं जो कब लगभग 95 लाख से लेकर 1 करोड़ उपभोक्ता ऊपर नीचे होते रहते हैं जी, उनको 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मतलब हमारी सरकार देती है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनको 1 रुपये में, 1 रुपये में 1 यूनिट मतलब 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देती है। और एक बिल पर जो लगभग एक बिल मोटा मोटा 656 रुपये के लगभग होता है जी, उस बिल पे उनसे 100 रुपये लेती है, 556 रुपये सब्सिडी देती है। उद्योगों को भी हमारी सरकार छूट देती है, तो हम लगातार हमारी ये कोशिश है कि लोगों को ऊर्जा सस्ती। अब मैं एक टेक्निकल बात करूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी नॉर्दर्न इंडिया में पावर ग्रिड पर एक साइबर अटैक हुआ था, मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इनकेस फ्यूचर में कोई ऐसा साइबर अटैक होता है तो उससे निपटने के लिए आपके विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है? देखिए, हम सकारात्मक सोचे जी, जब ऐसी कोई परिस्थितियां आएंगी तो उन परिस्थितियों से हमारा प्रदेश, हमारा देश, उनसे निपटने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं भरोसा देता हूँ जी। और एक बात अगर मैं कहूँ, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है, आप क्योंकि शहर में आए हैं, आपने देखा भी होगा, और अभी क्योंकि जैसे अगर बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी में कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है स्मार्टनेस के साथ हो, तो पोल शिफ्टिंग चल रही है, इसमें आपका विभाग चाहे तो उसको अंडरग्राउंड कह सकते हैं कि लाइंस ले जा सकता है, इसके लिए आपके द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अंडरग्राउंड जो सर्विस की बात की है जी, उसके लिए पहले से कोई तैयारी होनी चाहिए। अभी हमारे पास ऐसी कोई कार्य योजना नहीं आई है जी, अगर यहाँ के स्थानीय स्तर पे ऐसी बात आएगी तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, ये भी हम करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूँ। दूसरा ये, हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जबलपुर के विकास के लिए, देखिए कितना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, इतना लंबा जी, ये सोचा था सपने में लोगों ने, उस सपने को साकार करती है हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और विश्वास रखिएगा कि जबलपुर शहर के विकास के लिए जो भी जरूरत होगी, अजय ऊर्जा विभाग के प्रमुख होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूँ कि करने की कोशिश करें। चलते चलते एक सवाल, क्योंकि मुझे इनबॉक्स में किसी ने भेजा था कि ऊर्जा मंत्री जो हैं ऊर्जा से लवरेज रहते हैं, वो नंगे पांव क्यों चल रहे हैं, वो जनता जानना चाहती है। ये देखिए कि ग्वालियर में जो मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी के जी, हमारी सरकार द्वारा वहाँ पे सड़कों के लिए पैसा दिया, बजट पूरा दिया, भारत में संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार अपना काम करती है, बिल्कुल प्रदेश सरकार अपना काम करती है, और नगरी सरकारें अपना काम करती जी,
पैसे का अगर भेंट का भाव है तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने भेंट दे दिया, परंतु उन रोडों पे काम की गति बहुत धीमी थी, जिससे वहाँ के आम नागरिकों को बहुत परेशानी होती है। वहाँ नगर निगम में जिस तरीके से भी सरकार, नगर की सरकार में कांग्रेस का मुखिया बैठा, उसकी काम की रफ्तार धीमी हो गई। जब कांग्रेस मुखिया के नाते मैंने कई बार कहा भी कि भाई आप नगर सरकार हैं, आपका दायित्व है जी शहर का विकास, तो उस बात को उतना तवज्जो नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मुझे जनता की परेशानी को समझना है, और मैंने उसी समय तय किया कि मैं जब तक इन तीन सड़कों का निर्माण कार्य, लक्ष्मण तलैया है, नले वाली सड़क है और जय नहीं होगी, तब मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा, इसलिए आज नंगे पैर हूँ। बड़ी बात है कि जनता की समस्याओं को इस कदर से कह सकते कि धरातल पर रह के उसको फीलिंग करना, और उसके बाद खुद आपने अपने जूते जो है त्याग दिए कि सड़क का पहले निर्माण होना चाहिए, उसके बाद ही मैं जो है वो जूते पहनूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा बहुत कम नेताओं में देखने को मिलता है, और क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश में आपके कार्य को देखा है, आप कहते हैं कि जब आप निकलते हैं सड़क से और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ कचरा पड़ा होता है तो आप खुद ही खड़े हो जाते हैं, और जब आप झुकते हैं तो आपके साथ जनता चलने लगती है, तो अपने आप कहते हैं कि परिवार वाला दायित्व हो जाता है। और बिल्कुल आप क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं और आपने कहा जिस प्रकार से कि मैं मुखिया हूँ और मेरा ये दायित्व है, तो मैं आशा करती हूँ कि जो ग्वालियर में आपने जो प्रण लिया है वो जल्द से जल्द हो और आपके पैरों में मैं जूते देखूं, और जनता का जो प्यार आपको मिल रहा है, चलते चलते रेवा टीवी पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि टीवी पर मेरे एक ये चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, आपके जनता की बात ऊपर तक पहुंचाने का जो काम करती हूँ जी, उसके लिए मैं आपको बधाई धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही चौथा स्तंभ काम करता रहे। और चलते चलते आपको अभी से मैं आपके जन्मदिवस की बधाई दे देती हूँ, क्योंकि 1 जनवरी को आपका जन्मदिन आने वाला है, तो रेवा टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।